साल 2017 में मोदी की सियासी लहर के भरोसे बीजेपी को यूपी के सत्ता मिली। यूपी में 15 साल का वनवास खत्म होने के बाद ये तय नहीं था कि कमान किसको मिलेगी। प्रदेश से योगी को सीएम बनाने की मांग उठ रही थी, तो योगी के सामने रेस में केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा और मनोज सिन्हा समेत कई नेता चुनौती बनकर खड़े हुए थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के सिर मुख्यमंत्री का ताज सजा तो खुद बीजेपी के अंदर बड़ा तबका हैरान रह गया। योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह हम लोगों ने उनको यहाँ पे बतौर सांसद के रूप में देखा, एक सख्त, एक हिंदुवादी नेता की छवि के रूप में, जब वो मुख्यमंत्री बने तो लोगों के सामने एक सवाल था कि यह कभी मंत्री नहीं रहे हैं, क्या यह सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री हुए तो जो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उन्होंने सबसे पहला जो काम किया, क्योंकि वो महिलाओं के मामले में, बच्चों के मामले में, बुजुर्गों के मामले में बहुत संवेदनशील थे और कहीं ना कहीं अपराध को लेकर जब उन्होंने काम किया तो सबसे पहले फोकस इसी पे किया कि इनको सुरक्षा मिले और जो अपराध होते हैं या तो रुपए के लिए होते हैं या महिलाओं से संबंधित होते हैं, एक सख्त राजनेता के रूप में उभरे और अधिकारियों को सबसे पहले निर्देश दिया कि अपराध पे काम होना चाहिए और काम हुआ भी, अपराध हुआ भी। सत्ता में आते ही सबसे पहले सीएम योगी ने जो काम किया वो था कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना। इसके लिए सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया। माफिया गिरोह को खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाए। अवैध कब्जों को छुड़ाने का मिशन शुरू किया। प्रदेश में संगठन बनाकर अपराध करने वाले गिरोह पर नकेल कसी। आम लोगों के प्रति पुलिस प्रशासन की जवाबदेही तय की। नतीजा, जो यूपी दंगों के लिए दुनिया में विख्यात था वो यूपी योगी के शासनकाल में विकास के पथ पर दौड़ने लगा। ऐसे में योगी ने यूपी को विकास के मॉडल के तौर पर पेश किया। अयोध्या में राम मंदिर, काशी में पुनर्निर्माण, एक्सप्रेसवे का जाल, शिक्षा चिकित्सा पर जोर, कोरोना प्रबंधन, ये वो मुद्दे थे जिन्होंने यूपी और योगी को दूसरे राज्यों के लिए मॉडल के तौर पर खड़ा कर दिया। यही मुद्दे साल 2022 में बीजेपी के लिए योगी के चेहरे पर उपयोगी साबित हुए और कई मिथकों को तोड़ते हुए 37 साल का सत्ता में वापसी का रिकॉर्ड तोड़ा। संन्यास के रास्तों पर सियासत के सिद्धांतों को साधने निकले योगी ने देश और दुनिया को दिखा दिया कि एक योगी जब राज ऋषि की भूमिका निभाता है तो शासन के हर सिद्धांत को जन मन के लिए समर्पित हो जाना पड़ता है। योगी आदित्यनाथ के लिए सत्ता के शिखर पर बने रहना और यूपी को एक नई दिशा में ले जाना इतना आसान नहीं था, लेकिन सीएम योगी ने हर उस चुनौती को कबूल किया जहां से उन्हें सत्ता और जनता के लिए एक नई लकीर खींचने का मौका मिला। योगी का चेहरा ही है कि यूपी में कोई पार्टी सत्ता में वापस लौटी हो। यूपी ही नहीं, देश में आज योगी विकास और बदलाव का एक चेहरा बन चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रयुक्त दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।